हेलो अगेन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास टेंथ के लिए मेंस्ट्रुएशन का थ्योरी पार्ट 1 और 2 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों का भारतीय वन बुक से एक्सरसाइज 1 पढ़ना है। तो यहाँ पर क्षेत्रमिति चैप्टर था हमारा एक्सरसाइज 1 क्लास टेंथ के लिए। बुक हमारा भारतीय वन, जिसका पेज नंबर आपके बुक में मिल जाएगा M12, जिसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसका बोला है क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो आपको क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, परिधि कैसे निकाला जाए। अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया रहे तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, परिधि कैसे निकालें, ये सारा बात हम लोग डिटेल्स में थ्योरी पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, त्रिज्या उसने दे रखा है r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल को हम लोग a मान लेते हैं। किसका बात हो रहा है, तो वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या यहाँ पर दे रखा है कि 3.5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दें यहाँ पे 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 3.5 इंटू 3.5 पॉइंट हटाए तो नीचे 10 होगा, यहाँ पर भी पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 होगा, यहाँ पे कटेगा 7 से काटेंगे तो 5 होगा, 7×5=35, 5 से काटेंगे तो 5×2=10 हो जाएगा। फिर 2 से काट दें तो यहाँ पे 11×2=22 होगा, 5 से काटेंगे 5×7=35, 5×2=10। अब देखो ऊपर में जो बचा हुआ है 11×7 बट्टा यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 11 को 7 से गुना कर दें तो 77 होगा, 77/2, 77 में 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2×3=6, 1×7 17×2=8, 16 2×5=10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि परिधि भी ज्ञात कीजिए। परिधि का मतलब सर्किमफेरेंस, सर्किमफेरेंस को हम लोग सी सूचित करते हैं, तो सी बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि 2πr, तो सी बराबर 2π का मान 22/7 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटा दे नीचे 10 हो जाएगा, 7 से कटेगा 7×5=35, 5 से काटेंगे तो 5×2=10, 2 से काटेंगे तो 2×2 कट जाएगा, सी बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। आंसर इस क्वेश्चन में हमसे त्रिज्या दे रखा था उसने और क्षेत्रफल और परिधि बोल रहा था, तो क्षेत्रफल हमारा निकल गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिधि निकल गया 22 सेंटीमीटर। समझ में आया तो आप इसको लिख लीजिए। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि पहला क्वेश्चन कि परिधि 4π मीटर है तो त्रिज्या क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 49π सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर डी क्या होगा, मतलब व्यास क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर परिधि कोई वृत्त है तो वृत्त में जो परिधि का मतलब ये घेरा, घेरा कितना दे रखा है उसने 4π, और क्षेत्रफल का मतलब ये छायांकित भाग दिया हुआ 49π। इसका बोल रहा है कि व्यास मतलब यहाँ पे केंद्र मान ले, तो यहाँ पर ये त्रिज्या होगा और ये क्या होगा व्यास, व्यास हमसे पूछा जा रहा है और इसमें यहाँ पर त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या पूछा जा रहा है, इसकी लंबाई। अब देखिए चूंकि वृत्त का परिधि का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 2πr, परिधि दिया हुआ है 4π बराबर, क्या 2πr लिख सकते हैं, हाँ r बराबर यहाँ पे 4π, 2π गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा 2π, क्या यहाँ पर हम लोग पाए से पाए को हटा सकते हैं, 2 से कटेगा 2×2=4, यहाँ पे त्रिज्या हमारा हो गया 2, यहाँ पर मीटर में है तो ये भी होगा मीटर में, त्रिज्या हमारा निकल गया 2 मीटर, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षेत्रफल उसने दे रखा है कि 49π सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर बोल रहा है कि व्यास पता कीजिए, तो व्यास पता करने के लिए यदि त्रिज्या पता हो जाए तो त्रिज्या को दुगुना कर देंगे, जब त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो हमारा व्यास पता चल जाएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल मतलब a बराबर फार्मूला होता है πr², तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 49π
बराबर पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए आर स्क्वायर बराबर क्या यहाँ पर 49 पाई, यहाँ पे पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो हम यहाँ पर भाग का मतलब बट्टा में हम लोग पाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई तो हमारा कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 49 हुआ या आर बराबर रूट अंडर 49 स्क्वायर को उठा के इधर ले जाए तो रूट बन जाएगा। यहाँ पे आर बराबर 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस में होगा, लेकिन हम लोग प्लस चिन्ह के चिन्ह को लेकर के चलते हैं, क्यों? क्योंकि त्रिज्या कभी भी निगेटिव नहीं होगा, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है। तो त्रिज्या हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमसे व्यास पूछा जा रहा है तो व्यास का मतलब डी। और आप पढ़े हैं व्यास बराबर 2R, 2 इंटू आर का मान 7 है, तो यहाँ पे 7 को 2 से गुना कर दें, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ये हमारा व्यास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में परिवय दिया हुआ था, बोल रहा था त्रिज्या पता करने, तो इसका त्रिज्या हमारा हो जाएगा 2 मीटर, और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ था 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बोल रहा था व्यास पता करने। तो व्यास पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए, त्रिज्या पता कर लिए। जब त्रिज्या पता हो गया तो व्यास पता करने के लिए त्रिज्या को 2 से गुना कर दिए, वही हमारा क्या हो गया व्यास हो गया। समझ में आ गया तो लिख लीजिए। अब देखिए 3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन में एक अर्धवृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या दिया हुआ के, इसका बोल रहा है कि परिमिति या परिमाप पता कीजिए। तो परिमिति का फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, तो पाई प्लस 2 इंटू आर, आर के जगह पर के है, यहाँ पर हम लोग के रख लें। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति पता कीजिए, तो अर्धवृत्त की परिमिति होगा पाई प्लस 2 के इकाई, ये हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल पता कीजिए और व्यास उसने दे रखा है कि 24 सेंटीमीटर। जब व्यास पता है हम लोग सबसे पहले त्रिज्या पता कर लें, तो त्रिज्या पता करने के लिए व्यास में 2 से भाग दे दें, हमारा त्रिज्या पता हो जाएगा। आर बराबर यहाँ पे 24/2, डी की जगह पर हम 24 रख लिए, यहाँ पे भाग देंगे, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्ताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो हमसे पूछा जा रहा है, तो अर्धवृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, यदि पाई स्क्वायर में 2 से भाग दे दे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे पाई स्क्वायर में 2 से भाग दे देते हैं, पाई को हम तत्काल ऐसे ही रहने दें, आर का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर/2, यहाँ पे पाई 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12/2 भाग दे दें, यहाँ पे 6 से कटेगा, 12 को 6 गुना कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आप चाहें तो पाई का मान 22/7 या 3.14 करके कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका वो भी आंसर सही होगा, लेकिन आपके बुक में यही दिया हुआ है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ कितना, तो 14 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि परिमाप पता कीजिए। जब व्यास पता है तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या पता कर लें, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा व्यास बट्टा 2 मतलब d/2। अब यहाँ r बराबर d की जगह पर क्या हम 14/2 रख लें, यहाँ पे भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया त्रिज्या निकल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि परिमाप निकालो, तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू r, पाई प्लस 2 इंटू r, यहाँ पे पाई प्लस 2 इंटू आर, आर के जगह पर 7 रख लें, यहाँ पे पाई का मान 22/7 होगा प्लस 2 और इंटू 7 नीचे 1 है, यहाँ पे एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना तो 7 होगा, यहाँ पे 22 + 7 = 14 हो जाएगा इंटू 7 कटेगा, यहाँ पे 4 × 2 = 6 हो जाएगा और 2 × 1 = 36 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा परिमाप। परिमाप का मतलब ये प्लस ये। अब देखिए हमसे परिमाप पूछ रहा था, इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा था और इसमें परिमाप पूछ रहा था, हम लोग तीनों क्वेश्चन को देखें समझ में आ गया तो आप इसको लिख लीजिए। 4 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ 19.25 मीटर स्क्वायर और बोल रहा है इसका व्यास क्या होगा व्यास बता कीजिए। तो देखिए
चूंकि हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाई टू। यहाँ क्षेत्रफल उसने दे रखा है 19.25 बराबर 1/2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते, क्योंकि यदि हमको त्रिज्या पता चल जाए तो हम लोग व्यास को निकाल सकते हैं त्रिज्या गुना 2 करके। अब देखिए यहाँ पर यदि पॉइंट हटा दे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से काटे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 5 से काटे तो 10×5=50 होगा, यहाँ पर भी 5 से कटेगा, 5×3=15, 4×19 42, 5×8=40, 2×5=25। फिर कटेगा यदि हम इसको काटे तो 5×5=10, फिर 5 से ये कटेगा, 5×7=35, 3×38, 35, फिर 5×7=35। अब यहाँ पर हो गया 77/2 बराबर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर यदि हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पे 22/7 तो रहने दें। अब देखिए यहाँ पे होगा 77/2 तो रहने दें, 7 भाग में इधर आएगा तो गुना में, यहाँ पे ये 22 आर स्क्वायर के साथ गुना में, इधर आएगा तो भाग में। अब यहाँ पर 11 से कटेगा, 11×2=22, 11×7=77, आर स्क्वायर बराबर 7×7 मतलब 49 होगा, 2×2 4 होगा, यहाँ पे त्रिज्या आर बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा 49/4, या यहाँ पे आर बराबर 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 होगा और 4 का वर्गमूल 2, त्रिज्या पता हो गया। जब त्रिज्या पता हो गया तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यास पता कीजिए, व्यास व्यास का मतलब डी, डी बराबर होगा 2R, यहाँ पे 2, R हमारा कितना निकला है 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 7 मीटर में है तो ये भी होगा हमारा मीटर, हमारा व्यास डी पूछा जा रहा था, व्यास हमारा हो गया 7 मीटर आंसर। इसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप दिया हुआ 18/7 मीटर और बोल रहा है कि व्यास पता कीजिए। तो अब देखिए चूंकि अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, परिमाप यहाँ पे 18/7 है बराबर पाई का मान 22/7 और प्लस 2 और इंटू आर, यहाँ पे 18/7 को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पर नीचे 1 है एलसीएम लेंगे एलसीएम 7 होगा, यहाँ पे 22+14 और इंटू आर होगा, यहाँ पे 7 को उठा के इधर लाएंगे तो भाग में गुना में आएगा, ऊपर नीचे कटेगा यहीं पे काट लेते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 18 बराबर यहाँ पे 4×2=6, 2×1=3=36 हो जाएगा, आर या आर बराबर होगा 18, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा। अब यहाँ पे यदि हम इसको काट दें 18×2=36, यहाँ पर 1 होगा, त्रिज्या कितना निकल गया 1/2 मीटर। जब त्रिज्या पता हो गया और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यास निकालो, तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2×3, तो 2×r, r का मान कितना है तो 1/2 है, 2×2 कटेगा 1 मीटर, यही हमारा व्यास आंसर हो गया। इसमें पूछा जा रहा था कि व्यास निकालो, क्षेत्रफल दिया हुआ था तो व्यास निकल गया 7 मीटर, इसमें परिमाप दिया हुआ था और बोल रहा था व्यास निकालो, तो इसका व्यास कितना हो गया 1 मीटर, समझ में आ गया, आपको लिख लीजिए। अब 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हों तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, 7 इकाई, 5 इकाई, 2 इकाई और 5 इकाई, आपका आंसर होगा सी नंबर 2 इकाई। कैसे तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रश्न से कह रहा है कि परिमिति मतलब परिधि, किसी भी वृत्त का परिमिति या परिधि ये बराबर है किसके, तो क्षेत्रफल के, किसके क्षेत्रफल तो वृत्त के क्षेत्रफल, तो बताइए परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर,
बराबर क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। भाई साहब परिधि क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त के परिमिति या परिधि क्षेत्रफल के बराबर है, तो परिधि का फॉर्मूला 2πr और क्षेत्रफल का होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई से पाई तो हम लोग हटा सकते हैं, 2r बराबर आर स्क्वायर का मतलब r इंटू आर। क्या हम एक r को हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। r बराबर कितना हो गया? 2 इकाई। यही आपका आंसर होगा, आपके बुक में ऑप्शन नंबर सी है, ऐसे में लिख लीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्त है, तो संकेंद्रीय वृत्त के बारे हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो ऐसा वृत्त जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो, उसे हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब देखिए केंद्र ये है, ये होगा छोटा वृत्त का त्रिज्या और ये होगा बड़ा वृत्त का त्रिज्या। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्यास का चर्चा कर रहा है, तो ये हमारा होगा बड़ा व्यास, बड़ा व्यास को कैपिटल डी मान लें, और ये हमारा होगा छोटा व्यास, छोटा व्यास को हम लोग स्मॉल डी मान लें और इसको कैपिटल डी मान लेते हैं। दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है? तो 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम कैपिटल आर पता करना चाहें तो कैपिटल डी बाई टू, मतलब बड़ा त्रिज्या पता करना हो तो बड़ा व्यास बटा दो, यहाँ पे 6 में 2 से भाग दे देंगे, ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्मॉल आर चाहिए, मतलब छोटा वृत्त का त्रिज्या चाहिए, तो छोटा वृत्त का त्रिज्या पता करने के लिए बड़े छोटे वृत्त के त्रिज्या में 2 से भाग दे दें, मतलब 4 में 2 से भाग दे दें, तो कट करके हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर पता हो गया, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए हम लोग पढ़े थे, चूंकि बला या रिंग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई को हम ऐसे रहने दें, कैपिटल आर हमारा होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ऐसे करना नहीं, आपके बुक में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपके बुक में ये ऑप्शन नंबर है सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे में लिख लीजिए। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे तो समझ लीजिए, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना, तो 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इस वृत्त में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को काट कर हटा दिया जाए, मतलब ये वाला जो वृत्त है इसको काट करके हटा ले तो अब क्या रिंग बन जाएगा, मतलब इस भाग का बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस 10 सेंटीमीटर को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं और इस 5 सेंटीमीटर को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगना है बलय के क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल, तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि बलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। पाई का मान हम लोग पाई ही रहने देते हैं, यहाँ पे आर का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्मॉल आर है 5 का स्क्वायर। यहाँ पे पाई 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, 100 में से 25 हटा लें ये 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आपके बुक में ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिए, आगे समझ में लिख लीजिए। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वृत्त है, एक ये वृत्त है जिसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरा एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि एक तीसरा वृत्त है जिसका परिधि
इस दोनों वृत्त के परिधियों के योगफल के बराबर है, तो इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा निकालिए। देखिए इसका त्रिज्या निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको इसका परिधि चाहिए, इसका भी परिधि चाहिए, और इसका परिधि बराबर होगा इसका परिधि प्लस इसका परिधि। क्वेश्चन से बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वृत्त का परिधि यदि पता कर रहे हैं तो बताइए परिधि होगा 2πr, यहाँ पे 2πr, r की जगह पर यहाँ पर 19 है, यहाँ पर हो जाएगा 19 दूना 38 पाए। अब देखिए इस वृत्त का परिधि पता करें तो इसका भी परिधि होगा 2πr, यहाँ पे 2 पाए को हम पाही रहने देते हैं, r का मान यहाँ पे 9 है, तो 9 दूनी 18 पाए मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी होगा सेंटीमीटर। प्रश्न से बोल रहा है क्या, प्रश्न से नया वृत्त का परिधि बराबर इसका परिधि प्लस इसका परिधि, इसके परिधि को हम लोग पी वन मान लेते हैं और इसके परिधि को हम लोग P2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न से बोलना है कि नया वृत्त का जो परिधि है इस वृत्त का और इस वृत्त की परिधियों का योगफल है, तो P1 प्लस P2। अब नया वृत्त का परिधि का फॉर्मूला वही होगा 2πr बराबर P1 का मान हम लोग निकाले यहाँ पर 38 पाए प्लस P2 का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं 18 पाए। 2πr बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 16 का 6 1 3 1 4 1 5 56 पाए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाए से पाए तो हटेगा, यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 56 बटा 2 भाग दे दें तो 28 दूना 56, यहाँ पे r बराबर 28 सेंटीमीटर। ये जो निकला इस वृत्त का त्रिज्या जो हमसे पूछा जा रहा था 28 सेंटीमीटर, यही हमारा इस वृत्त का त्रिज्या होगा। आ गया समझ में आपको, लिख लीजिए। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, हमें इसको पहला वृत्त और दूसरा वृत्त मान लिया जिसका त्रिज्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा क्वेश्चन कि उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर में, निम्नलिखित में से कौन सी होगी। एक वृत्त और है जिसका क्षेत्रफल इस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। अब जो ये नया बड़ा वृत्त या बड़ा वृत्त जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा निकाले, सॉरी त्रिज्या क्या होगा निकाले, तो त्रिज्या इसका 10 सेंटीमीटर होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लीजिए ये सबसे पहले हम लोग इस वृत्त का क्षेत्रफल पता करें तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, चलिए इसको हम ए वन मान लेते एरिया वन। पाई का मान 22 बटा 7 होता है लेकिन नहीं रखते हम, पाई रहने देते, कैलकुलेशन आसान रहेगा। और आर का मान यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ए वन। अब देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम पता करें तो हम इसको ए टू मान लेते हैं, ए टू हमारा होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पर ए टू बराबर 6 का स्क्वायर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न से बोलना है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इस दोनों का जो क्षेत्रफल है इसका योगफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हम लोग ये जो नया वृत्त है, नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ए वन प्लस ए टू, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बराबर ए वन का मान यहाँ पे है 64 पाई प्लस ए टू का मान है 36 पाई, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को हम लोग ऐसे रहने दें, इस दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 100 पाई या 100 पाई, यहाँ पे पाई से पाई हमारा कटेगा
आर बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा रूट अंडर 100, आर बराबर 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर, यही आपका इस वृत्त का त्रिज्या होगा 10 सेंटीमीटर। अपने बुक में देखिए, आपके बुक में ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे समझ में लिख लीजिए। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री हो। एक वृत्त है, वृत्त में त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ओ ए और ओ बी हमारा त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितना है तो 6 सेंटीमीटर, मतलब आर हमारा दे दिया 6 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वह 60 डिग्री है, मतलब थीटा का जो मान है वह कितना है तो 60 डिग्री है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बता कीजिए। त्रिज्याखंड का मतलब ये वाला भाग, इस भाग का बोलना है कि क्षेत्रफल पता कीजिए। तो हम लोग चूंकि पढ़े हैं फॉर्मूला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, याद है ना आपको? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। पाई का मान 22 बट्टा 7 इंटू त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर है तो 6 × 6 इंटू थीटा, थीटा का मान यहाँ पर 60 है, बट्टा ये वाला 360। अब देखिए 0 से 0 6 से कटेगा 6 × 6 = 36, 1 × 6 = 6 ये कट जाएगा, यहाँ पे हो गया 22/7 इंटू 6। आप चाहें तो इसको हम फिर पाई ही रख लेते हैं, 6 मतलब 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपके बुक में यही आंसर दिया होगा। आ गया समझ में आपको, लिख लीजिए। अब देखिए 11 नंबर में दो क्वेश्चन है, एक बोल रहा है कि लघु चाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए और त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा क्या, एक वृत्त का अर्ध व्यास, यहाँ पे घुमा करके पूछ रहा है, सीधा नहीं बोल रहा है त्रिज्या, यहाँ पे बोल रहा है कि अर्ध व्यास, व्यास का आधा, हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है जिसको हम लोग आर मान लिए, और केंद्र पर बनने वाला कोण कोण AOB मतलब थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है लघु चाप, यहाँ से A से लेकर के B तक ये हमारा लघु चाप होगा और ऐसे ये हमारा दीर्घ चाप होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लघु चाप AB की लंबाई पता कीजिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल पता कीजिए। ये दोनों चीज पता करने के लिए यदि हमको त्रिज्या और थीटा मतलब आर और थीटा का मान यदि पता चल जाए तो हम लोग दोनों को निकाल सकते हैं, यहाँ पे आर का भी मान पता है और थीटा का भी मान पता है। तो हम लोग लघु चाप AB की लंबाई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एल बराबर पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ए बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, याद है ना आपको? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। एल बराबर पाई, पाई का मान 22/7 होता है, हम पाई ही रहने देते हैं, आर आर का मान कितना है तो 6 इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है तो 30 डिग्री है बट्टा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको काटें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर L का मान निकल गया पाई सेंटीमीटर। L जो निकला यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ये कितना निकल गया पाई सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर हमारा हो गया चाप की लंबाई। अब बोल रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता कीजिए, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है ए बराबर पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब देखिए पाई को हम लोग पाई रहने देते हैं, आर का मान पता है यहाँ पे 6 स्क्वायर है तो हम दो बार लिख लें, इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है
तो 30 डिग्री बट्टा 360 डिग्री, डिग्री डिग्री से डिग्री हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से जीरो हटा दें, तीन से काटेंगे तो 12 3 36, 6 से कटेगा 6 2 12, 2 से काटेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a बराबर 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये जो निकला त्रिज्यखंड, ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकल गया कितना, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक चाप की जो लंबाई है वो l निकल गया कितना, पाई सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको, लिख लीजिए फट से।